मोटापा घटाने की इच्छा बहुत लोगों की रहती है, मोटापा कम करने की इच्छा जितनी रहती है उतना प्रयास थोड़ा दिन करते हैं और उसके बाद अंतिम में लोग हार जाते हैं और मोटापा फिर ठीक नहीं हो पाता है और ऐसे ही मोटे रह करके जल्दी ही हार्ट अटैक खत्म करके या फिर जल्दी ही बीपी शुगर बढ़ा करके इस दुनिया से उनका स्वर्गवास हो जाता है, स्वर्गीय हो जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप थोड़ा जल्दी स्वर्गीय ना हो और अपने मोटापा को थोड़ा सा जल्दी ठीक करें, तो देखो तीन काम अगर आप कर लोगे तो आपका मोटापा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। देखो सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, जैसे क्या है ना कि आपका मोटापा बढ़ा कैसे, पहले आपको वो समझना है। मोटापा कैसे बढ़ा, आपके खाना और पीना से। मतलब आपने धीरे 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 खाया और थोड़ा थोड़ा जमते 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 पूरी तरीके से आपका आप मोटे हो गए हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब 120 किलो 140 किलो 150 किलो 125 किलो तक ऐसा ऐसा चलते रहते हैं, पेट हो गया ऐसा भारी ऐसा बम्बू जैसा। तो अब अगर आपको अपना कम करना है तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये, आपको अपना खान पान को पूरी तरीके से बदलना होगा। देखिए अगर आप मांसाहार ग्रहण करते हो या भयंकर पकौड़ी कचौड़ी भजिया माल पुआ चावल रोटी, मैंने तो देखा है बढ़िया आराम से कुर्सी में ऐसे बैठते हैं पूरा थाली भर लगाते हैं माल और पूरा छक के खाते हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो भगवान भी आपके मोटापा को कम नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी औषधि आपके मोटापा को ठीक नहीं कर सकता है। दुनिया का कहीं भी आप चले जाओ कोई कुछ नहीं होने वाला है। आपका अपना डाइटिंग तो पहला करना ही होगा आपको। मतलब आपको ऐसे फूड खाना है जिससे आपका शरीर चल सके और आप अपना काम इजी कर सको। जो बहुत छक छक करके खाते हो ना, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी वाले फूड को कम करना पड़ेगा, मांसाहार और जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले फूड्स हैं, ज्यादा तेल वाली जो चीजें हैं, ज्यादा मसाला वाला चीजें हैं, इसको सबसे पहले आपको कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है आपको अपना डाइटिंग को ठीक करना। ठीक करने का मतलब थोड़े से फल फ्रूट्स को आप खाइए, रोटी चावल दाल सब्जी हरी सब्जियां भोजन आप अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसको सामान्य मात्रा में लीजिए, इतना लीजिए कि मतलब आपका पेट ना भरे, पहला। अब इसके साथ दूसरा आपने क्या किया था कि आपने कभी योगा प्राणायाम और मेहनत कभी शरीर से किया ही नहीं इसलिए मोटे हुए। एक तो ज्यादा खाया, हचक हचक के खाया इसलिए मोटे हुए हो, और दूसरा आपने कभी व्यायाम प्राणायाम योगा मेहनत कुछ किया ही नहीं इसलिए मोटे हुए हो। तो अब आपको क्या शुरू करना है, सबसे पहले सवेरे आपको अगर मोटापा ठीक करना है तो 5 बजे उठने का संकल्प ले लो। अगर आप 5 से 5:30 बजे तक अगर उठ गए और उसके बाद उठ करके आप सबसे जो तीसरा काम है वो थोड़ी औषधियों का सेवन आप करो ताकि आपका अब जो खराब दशा है वो ठीक करें। तो औषधि का सेवन में बता देता हूं, तीन काम बताया मैंने, डाइटिंग, दूसरा व्यायाम प्राणायाम और तीसरा है औषधि। औषधि में क्या है फिर साथ में बताता हूं। देखो औषधि में सबसे पहले आपका जो हुआ क्यों, क्योंकि कब्ज बनता रहा आप खाते रहे और कब्ज के कारण से माल सब जमा होता रहा और वही धीरे 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 आपका मोटापा बढ़ा है। तो सबसे पहला काम है आपका कब्ज को हटाना। कब्ज हटाने के लिए हमारे यहाँ की सबसे एक अच्छी औषधि है अमृता चूर्ण। इसको रात्रि में आपको सोने के पूर्व 1 चम्मच आप इसको खाएंगे अमृता चूर्ण को, इससे आपका कब्जिया ठीक होगा। दूसरा आपको सवेरे सवेरे खाना है, खाने के आधा घंटे के बाद में मैदोहर चूर्ण, मैदोहर, जिससे आपका पूरा जो मेद है वो कम करने का काम करेगा और ये जो फैटो हरी वटी है ये आपके पूरी फैट को रिड्यूस करने का काम करेगा। ये खाने के आधा घंटे के बाद में फैटो हरी वटी 1-1 वटी और साथ में ये मैदोहर चूर्ण, मैदोहर चूर्ण सवेरे 1 टाइम खाना है ध्यान रखिएगा और वटी 2 टाइम खाना है और ये अमृता चूर्ण रात्रि में खाना है। अब और साथ में आपके पेट को और पूरी आपके शरीर सिस्टम को ठीक करने के लिए ये आंवला जूस एलोवेरा जूस सवेरे सो के उठने के बाद, सवेरे सो के उठो और सबसे पहले ये लो।
तो अब आपको ये तीन काम करना है। तीनों काम की शुरुआत कैसे करना है? सवेरे आपको 5:30 बजे उठना है, सबसे पहले एलोवेरा आंवला का जूस ले लेना है ताकि आपको एनर्जी बनी रहे, क्योंकि आप डाइट थोड़ी ठीक कर चुके हो इसलिए आपको थोड़ी, क्योंकि अब देखो अमृता चूर्ण खाया है तो पूरा पेट भी कब्ज भी साफ हो चुका है, और उसके बाद आप थोड़ा से इससे एलोवेरा और आंवला जूस से एनर्जी मिल जाएगी और पेट सिस्टम को, लीवर सिस्टम को, सबको सही करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आपको देखिए, कभी आपने व्यायाम प्राणायाम किया नहीं तो सबसे पहला आपको हल्का सा मॉर्निंग वॉक में थोड़ा दौड़ते हुए मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो, उसके बाद कुछ इस तरीके से आप जो है व्यायाम करना शुरू कर दीजिए ताकि यहाँ के जो आपके फैट्स हैं ये कम हो। अगर आप पेटों का फैट ज्यादा है तो थोड़ा सा इस टाइप का आपको व्यायाम किए वाली जो है ताकि ये पेट का वजन कम हो, और अगर इन जांघों में, इनमें अगर बहुत ज्यादा अगर फैट्स हैं तो थोड़ा सा इस टाइप से ये पैरों को ये यहाँ तक ऐसे उठाना है, आपको देखना है ये पैर उठा के थोड़ा सा दौड़ने वाला, तो ये शरीर से अगर आप थोड़ा व्यायाम करो। अब आप सोचो कि तुरंत ठीक हो जाए, भैया जब बनाने में इतना टाइम लगा तो घटाने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये औषधि नियमित सेवन करना है ताकि पेट और शरीर ठीक रहे, और व्यायाम लगातार करना है, और साथ में भजिया पकौड़ी और जो मालपुआ छकने की आदत बनाए हो इसको ठीक करना है। बस इतना आप कर लीजिए, ये तीन काम अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपका मोटापा पूरी तरीके से आप फिट हो जाएंगे, और ऐसा 65 किलो से लेके 70 किलो तक, 75 किलो तक आप एक बढ़िया सुंदर सुडौल शरीर बना सकते हो। बस इतना सा छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को अपना करके आप मोटापा को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। औषधियों का ऑर्डर हमारे इन नंबरों से फोन करके मंगवा सकते हो, या नजदीक के कोई डिस्ट्रीब्यूटर या स्वदेशी केंद्र किसी के पास से भी आप चवन की इन औषधियों को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।